अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपका जो फीलिंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, वो एक्चुअली आपके है ही नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? आप सोचोगे ना कि यार क्या बात कर रहे हो, मेरे फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, मेरे एक्सप्रेशंस मेरे नहीं है, तो ये कहाँ से आ रहे हैं, किसके हैं? तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हरे कृष्णा, मैं दीप जायसवाल आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है आवर फीलिंग्स नॉट ऑलवेज आवर फीलिंग्स। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स से लोडेड होते हैं, हम कुछ ठीक से सोच नहीं पाते, तो हमें गुस्सा बहुत आता है, एंगर बहुत आने लगता है। जैसे कि अपने ऑफिस में या क्लासमेट में कोई ऐसा लड़का है, कॉलिग है, जो कि जिस पे आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हो, या आप कोई काम करने लगते हो नहीं रहता, होता ही नहीं है बहुत समय तक, तो होपलेसनेस डेवलप होती है कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता, तो इस वजह से भी गुस्सा बहुत आता है। और जब इस तरह की फीलिंग्स आने लगती है तो होता क्या है, इन फीलिंग्स को हम उन व्यक्ति से आइडेंटिफाई करने लगते हैं, उनसे जोड़ देते हैं, उन पर गुस्सा करने लगते हैं, और फिर बाद में हमें रिग्रेट भी होता है कि यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और जब इस तरीके की फीलिंग्स बार बार आने लगती है, रिपीटेडली आने लगती है, तो हम भी कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे इस तरह के फीलिंग्स क्यों आ रहा है। हम भी चिड़चिड़ापन महसूस करने लगते हैं, हम भी खुद से बोलने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्यों बार बार मैं दूसरों पे गुस्सा करता हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्या एक बार मेरे सारे मैटर्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्यों बार बार मैं दूसरों से लड़ाई कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें बार बार आपके माइंड में हावी होने लगती है। और सबसे दुख की बात तब होती है जब इन फीलिंग्स की वजह से हमारा परफॉर्मेंस जो होता है हमारा एकेडमिक में, हमारे ऑफिस में बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है, बिकॉज हम खुद पे इतने, हमारे थॉट्स, नेगेटिव थॉट इतने हावी हो गए हैं कि हम परफॉर्म ही नहीं कर पाते अच्छा, दूसरों से बिहेवियर अच्छा नहीं रहता, तो परफॉर्मेंस एकेडमिक या ऑफिस में बेकार तो हो ही जाएगी ना। तो फिर क्या करें, कोई सोल्यूशन है? कुछ तो होना चाहिए ना, बिकॉज फीलिंग्स तो आ रही है, डिस्टर्ब तो हूँ मैं, तो कोई सोल्यूशन भी तो होना चाहिए। आपको पता है गीता हमें इसका बहुत ही अच्छा सोल्यूशन देता है, चैप्टर 14:22 में, 14वां चैप्टर 22वां श्लोक, इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन देता है। वो बताता है कि अगर आपको अपना परफॉर्मेंस अच्छा करना है तो आपको जो इसका रूट कॉज है उसको डायरेक्ट हिट करना पड़ेगा। रूट कॉज यही है कि हमने मिस आइडेंटिफाई कर लिया है खुद को इन फीलिंग्स के साथ। जी हाँ, हमने अपने आप को कहना है गलत जोड़ दिया है इस फीलिंग्स के साथ, ये फीलिंग्स हमारी नहीं है। अगर हम भगवत गीता के जो श्लोक में चीज़ें बताई हुई हैं उसको अच्छे से फॉलो करते हैं, जो रिकमेंड किया गया है उसको अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, तो हम इन नेगेटिव थॉट्स के साथ, फीलिंग्स के साथ फाइट कर सकते हैं, उन्हें काउंटर कर सकते हैं और उनको चैलेंज भी कर सकते हैं। बट जो बोला है वो फॉलो करना पड़ेगा। बोला ये गया है कि जो रोल ऑफ ऑब्जर्वर है, जो हम सबका रोल है इन फीलिंग्स के प्रति, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको थोड़ा सा रुक के इन फीलिंग्स को बहुत ही ज़्यादा डिस्पेशेंटली एंड इंटेलिजेंटली बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। और जब हम ऐसा करने लगेंगे तो हम देखेंगे कि हम कुछ नई चीज़ डिस्कवर कर रहे हैं। नई चीज़ ये है कि ये जो फीलिंग्स है ना, ये एक्चुअली मेरी ऑथेंटिक वैल्यू नहीं है, ये मेरी डीप कंसर्न नहीं है, ये एक्चुअली मेरी नहीं है, और ये दूसरे की बाहर से आई हुई चीज़ है। तो मुझे इन चीज़ों पे, इन एक्सप्रेशन से बहुत ज़्यादा केयरफुली एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये मेरा सिस्टम नहीं है। हम रियलाइज़ कर पाएंगे ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, ये जो फीलिंग्स हैं, ये प्रोजेक्शन है सोसाइटी के फेट्स के। भाई सोसाइटी में झगड़े हो रहे हैं या चीज़ें हो रही है, आपने कुछ देखा, उसका फेट, उसका प्रोजेक्शन आपके ऊपर आ गया, या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का मूड, किसी से बात कर रहे हो आप, उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी, उसका जो मूड है आप पे थोड़ा सा प्रोजेक्ट कर गया, फिर जिस वजह से आपका स्वभाव इस तरह का हुआ है, तभी तो बाद में हमें रिग्रेट होता है कि हम ऐसा क्यों बोल दिया यार, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज वो मैं नहीं था। तो ये अगर आप ध्यान से, इंटेलिजेंटली, डिस्पेशेंटली, अगर केयरफुली एनालाइज करोगे तो आप रियलाइज कर पाओगे कि यस ऐसा हो रहा है। तो ऐसे प्रोजेक्शन को, ऐसे जो फीलिंग्स आ रही है जो दूसरे के ऊपर से मेरे ऊपर आई है, मैं इनको नेगलेक्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इसको ध्यान नहीं देना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं है। बट दिक्कत पता है क्या आती है, आप चाह के भी पहले ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ऑब्जर्व करते हो तो ठीक से इसको हटा नहीं पाते, ये आपके हावी बार बार होती ही रहेगी। होती इसलिए है बिकॉज आप ग्रेटिफिकेशन में फंस जाते हो, आप मटेरियल फीलिंग्स को रिमूव तो करना चाहते हो, बट इसी मटेरियल इंजॉयमेंट को, मटेरियल ग्रेटिफिकेशन को एंजॉय भी बहुत ज्यादा करना चाहते हो।
इससे प्रॉब्लम भी आ रही है, इससे एंजॉय भी करना है। तो दिक्कत क्या आती है कि इससे उभरे, इससे बाहर कैसे निकले, कुछ है ही नहीं, अल्टरनेटिव ही नहीं है। बिकॉज जो खतरा है आपके लिए उसी को आप एंजॉय भी कर रहे हो अभी, बाद में पछता भी रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे हो। सो जितना कम हम इस मटेरियली चीज़ों को एंजॉय करेंगे और स्पिरिचुअल चीज़ों को जितना ज़्यादा रिलिश करेंगे, उतनी ही जल्दी हम इन फीलिंग्स से ओवरकम कर पाएंगे, इन फ्रस्ट्रेशन से ऊपर उभर पाएंगे। सो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करना है कि मैं अपने आप को स्पिरिचुअली रिलिश करूँ, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट अपनी देती रहूँ, देता रहूँ। और जितना ज़्यादा मैं अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रांग भी करूंगा, उतना ही ज़्यादा मैं अपने आप को अच्छे से ऑब्जर्व करा पाऊंगा, मटेरियली चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाऊंगा। बिकॉज अब मेरे पास बेटर विजन है और मैं थोड़ा हायर एज कम्पेयर टू अदर्स सोच पा रहा हूँ। तो मेरे पास नज़रिया है, प्लेटफॉर्म है और चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करने की आर्ट भी मैंने डेवलप करी है। और मेरे पास अल्टरनेटिव वे भी है कि अपने आप को बचाना कैसे, बिकॉज इससे पहले मेरे पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं था। तो ये चीज़ हमें स्पिरिचुअली जितना ज़्यादा हम फॉलो करते हैं मिलती है। और क्या होगा जब हम अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रांग करेंगे, होगा ये कि सबसे पहले हम अपने आप को बचा पाएंगे, बिकॉज हमें संयम आएगा, हम पेशेंस डेवलप कर पाएंगे। दूसरा क्या होगा, जब हम खुद का भला कर पा रहे हैं तो अपने अकेडमिक में भी अच्छा कर पाएंगे, ऑफिस में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे, बिकॉज एज कम्पेयर टू अदर्स आई एम नॉट डिस्टर्ब। तो ये चीज़ फ़ायदा होगा हमारे साथ, हम पे दूसरे का प्रोजेक्शन हम पे हावी नहीं हो रहा, तो हम अपने ऑथेंटिक वैल्यू, अपने डीप कंसर्न पे काम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरों का मूड मेरे अंदर हावी नहीं हो रहा, तो अपना काम अच्छे से कर भी पाएंगे। और सबसे बेस्ट ये है कि हम अपने ऑथेंटिक वैल्यू से, डीप कंसर्न से भगवान को अच्छे से सर्व कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितना ज़्यादा हम स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रांग करते हैं, स्पिरिचुअली रिलेश करते हैं, तो ये चीज़ें हमें अंदर बहुत अच्छे से डेवलप हो पाएगी। तो देखा आपने आज के भगवद गीता के 14वें चैप्टर के 22वें श्लोक में कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें बताई कि कई बार हमारी फीलिंग्स हमारी नहीं होती, वो बाहर से हम पर आके कंट्रोल करती है। तो बचने का तरीका यही है कि हम अपने आप को अल्टरनेटिव वे दें, मटेरियल फीलिंग्स को स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ डील करें, तो जल्दी इससे ओवरकम कर पाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर पाएंगे। सो आपसे यही अनुरोध है कि अच्छे से जो रिकमेंडेशंस बताई जाती हैं, मंत्रा मेडिटेशन, रेगुलर भगवद गीता का अध्ययन, डिस्कशंस चीज़ों के ऊपर, स्पिरिचुअल चीज़ों को ऑब्जर्व करने का कैसे देखना है, इस पर डिस्कशन करना, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा प्रॉफिट है। सो इसको करना कैसे, आपको ऑलरेडी बताया गया, आपके पास फैसिलिटेटर्स हैं, हम सब हैं, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, भगवद गीता और गिविन लेक्चर्स सुन सकते हैं, मंत्र मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब आपको हेल्प करता है अपने अपने आप को स्पिरिचुअली रिलीज करने में। सो थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, क्वेश्चंस हैं जो आपको जानने हैं, पूछने हैं, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।